Hey guys, very good morning to all of you and welcome back to my channel. आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी सेकंड सेम का सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. इसका जो कोर्स कोड है वो है 203. इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की यूनिट फर्स्ट. और यूनिट फर्स्ट में हमें टोटल 3 टॉपिक कवर करने हैं. पहला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. इसमें हम इसकी डेफिनेशन, स्कोप, करैक्टरिस्टिक्स और इसके लेवल्स देखेंगे. सेकेंड टॉपिक है मॉडल्स ऑफ ओबी. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को हम शॉर्ट में बोलते हैं ओबी. और ओबी के टोटल 5 मॉडल होते हैं लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ 4 ही मॉडल देखने हैं. थर्ड टॉपिक रहेगा हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी. सिर्फ ये 3 टॉपिक आपको करने हैं. वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है क्योंकि हर एक टॉपिक को हम अच्छी तरह से देखेंगे पूरी कंप्लीट डिटेल में. एंड प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर्स जो हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सेंड करे हैं, उनको आप देख लेना. और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर्स रेडी करना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ उनको कर लेना. क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर्स रेडी कर लेते हो ना तो आपको आइडिया लग जाता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं. यूनिट फर्स्ट का सबसे पहला टॉपिक है ओबी. ओबी मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ओबी मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स, द इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन बिहेवियर एंड द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ द फील्ड ऑफ स्टडी टू चेक हाउ पीपल इंटरैक्ट इन अ ग्रुप. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मतलब ओबी, या ओबी का मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ओके, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जो टर्म है वो दो वर्ड्स को मिलाकर बनी है. पहला वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वर्ड है बिहेवियर. सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की. ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई कंपनी हो गई, कोई इंस्टीट्यूट हो गया. ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा ग्रुप ऑफ पीपल की बात होती है जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं. बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर का मीनिंग होता है आप किस तरह से बिहेव करते हो, क्या बोलते हो, क्या करते हो. बिहेवियर फिजिकली भी होता है, वर्बली भी होता है. किसी एक पर्टिक्यूलर कंडीशन में कोई रिस्पॉन्स कैसे देता है, कैसे रिएक्ट करता है, उसका बिहेव कैसा होता है. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक फील्ड ऑफ स्टडी का नाम है. इसके अंदर आप लोगों के बिहेव को स्टडी करते हो. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके बिहेवियर को आप स्टडी करते हो. किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी एम्प्लॉई कैसे एक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है, क्या एटीट्यूड शो करता है, कैसे बिहेव करता है, उसकी स्टडी को ही बोलते हैं ओबी, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आप लोगों के बिहेवियर को स्टडी करते हो. ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उनका बिहेव कैसा है, वे बात कैसे करते हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है, वे किस तरह से रिएक्ट करते हैं किसी एक कंडीशन पर, ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ही कहलाती हैं. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है. इसमें जैसे कि आपकी कोई कंपनी है उसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वे 10 हो, 5 हो, कितने भी हो, वे किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से वे एक दूसरे से बात करते हैं, कैसे वे रिएक्ट करते हैं किसी कंडीशन पर, ये सब बातें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में आती हैं. स्कोप ऑफ ओबी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का स्कोप. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के स्कोप की बात करें तो आपको इसमें इतना पता होना चाहिए कि इसके स्कोप में क्या क्या चीज़ें होती हैं. इसके अंदर आता है लीडरशिप, जॉब डिज़ाइन, परसेप्शन, स्टडी ऑफ इमोशंस, टीम बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. स्कोप ऑफ ओबी में आपको सिर्फ इनके नाम याद करने हैं, आपको इसकी डेफिनेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. क्योंकि देखो, आपके पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप हर एक पॉइंट को वहाँ डिफ़ाइन करोगे. आपको सिर्फ़ ओबी की डेफिनेशन लर्न करनी है, इसके स्कोप के नाम, कुछ इसके करैक्टरिस्टिक्स और इसके कौन कौन से लेवल होते हैं और एक इसका डायग्राम. बस इतना सा ही है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है.
जब आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को पूरी तरह से स्टडी कर लेते हो तो आप अपने एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की हेल्प से आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हो। जब आप लोगों की रिक्वायर्ड स्किल्स को डेवलप कर लेते हो तो उनको मोटिवेट कर देते हो तो वे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, वे अपना 100% देते हैं उस काम में, और वो अपने अंदर इनोवेशन लेकर आते हैं, अपने आइडियाज़ पर काम करते हैं। फिर वे सब एक ही गोल पर वर्क करते हैं और फिर वो उस गोल को अचीव करने में लग जाते हैं, फिर वे दिल से काम करते हैं। लेवल्स ऑफ ओबी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लेवल्स। ओबी के टोटल 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है इंडिविजुअल लेवल, सेकेंड होता है ग्रुप लेवल, थर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल लेवल की। तो इंडिविजुअल लेवल के अंदर आता है परसेप्शन, पर्सनालिटी, लर्निंग, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड। ग्रुप लेवल के अंदर आता है टीम, लीडरशिप, पावर एंड पॉलिटिक्स। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के अंदर आता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ट्रेडिशंस, कस्टम, ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज अलोंग विद इट्स इम्पैक्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ओबी के कितने मॉडल होते हैं और वे कौन कौन से मॉडल होते हैं, सिर्फ इतना। इससे ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं करना है, सिर्फ इसके नाम याद कर लेना कि ओबी के 3 मॉडल होते हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल। दैट्स इट। मॉडल्स ऑफ ओबी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के मॉडल्स होते हैं 5, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 4 ही मॉडल हैं। देर आर 4 मेजर मॉडल्स ऑफ ओबी। द फर्स्ट मॉडल इज ऑटोक्रेटिक मॉडल, द सेकेंड मॉडल इज कस्टोडाइल मॉडल, द थर्ड मॉडल इज सपोर्टिव मॉडल एंड द फोर्थ मॉडल इज कॉलेजियल मॉडल। जो 5th मॉडल है वो है सिस्टम मॉडल, लेकिन वो मॉडल आपके सिलेबस में नहीं है तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ऑटोक्रेटिक मॉडल। द ऑटोक्रेटिक मॉडल इज द मॉडल दैट रिलाइज ऑन पावर, स्ट्रेंथ एंड द फॉर्मल अथॉरिटी। द ऑटोक्रेटिक मॉडल डिपेंड्स ऑन पावर। ऑटोक्रेटिक मॉडल में मैनेजमेंट का फोकस होता है पावर पर। ऑटोक्रेटिक शब्द जो है वो ऑटोक्रेसी से बना है और ऑटोक्रेसी का मीनिंग ये है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो पावर और अथॉरिटी होती है वो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होती है, हर किसी के पास नहीं होती है। ऑटोक्रेटिक मॉडल में जो पावर होती है वो मैनेजमेंट के पास होती है और मैनेजमेंट में हमेशा एक से ज़्यादा लोग ही होते हैं। ऑटोक्रेटिक मॉडल में सारे फैसले मैनेजमेंट लेता है। ऑटोक्रेटिक मॉडल में जॉब की इनसिक्योरिटी होती है। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको इनसिक्योरिटी होती है क्योंकि जब सारे पावर मैनेजमेंट के पास है तो मैनेजमेंट कभी भी किसी एम्प्लॉय को जॉब से निकाल सकती है, उस एम्प्लॉय की जगह पर वो किसी और एम्प्लॉय को हायर कर सकती है। इसलिए ऑटोक्रेटिक मॉडल में एम्प्लॉयज़ को जॉब की इनसिक्योरिटी होती है। कस्टोडाइल मॉडल। द कस्टोडाइल मॉडल इज बेस्ड अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी फॉर एम्प्लॉयज। कस्टोडाइल मॉडल में मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ की इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं। इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मीनिंग है सैलरी, रिवॉर्ड्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, कि एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी दी जाए, उनको रिवॉर्ड्स दिए जाए और उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का भी ध्यान रखा जाए। सोशल सिक्योरिटी का मीनिंग है जॉब सिक्योरमेंट, कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जॉब सिक्योर होनी चाहिए। कस्टोडाइल मॉडल में मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ की नीड्स को समझते हैं। सपोर्टिव मॉडल। द सपोर्टिव मॉडल इज़ फोकस्ड अराउंड इंस्पायरिंग लीडरशिप। सपोर्टिव मॉडल जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड और इंस्पायरिंग लीडर्स पर बेस्ड है। सपोर्टिव मॉडल में जो मैनेजमेंट होता है वो उनका फोकस होता है एम्प्लॉयज़ और मैनेजर के रिलेशनशिप पर। सपोर्टिव मॉडल में एम्प्लॉयज़ पर पूरा ध्यान दिया जाता है, उनको पूरी रिस्पेक्ट दी जाती है, उनके काम की वैल्यू की जाती है, उनको हर तरह से सपोर्ट किया जाता है,
उनको मोटिवेट किया जाता है। लास्ट मॉडल है कॉलेजियल मॉडल। द कॉलेजियल मॉडल इज़ बेस्ड अराउंड टीम वर्क। कॉलेजियल मॉडल जो है वो सपोर्टिव मॉडल का एक्सटेंशन है। कॉलेजियल मॉडल में मैनेजमेंट का फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पर। कॉलेजियल मॉडल में सभी को सेम माना जाता है, सभी सेम लेवल पर होते हैं। कॉलेजियल मॉडल में ना कोई बॉस होता है, ना कोई सब ऑर्डिनेट होता है। इस मॉडल में जॉब टाइटल का मैटर ही नहीं है, सबको इक्वल माना जाता है। और इसमें ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। लास्ट टॉपिक है कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर्स। कल्चरल डाइवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट फैक्टर्स दैट मेक अप एंड जेंडर, पर्सनैलिटी, रिलीजन, इंडिविजुअल एज एंड सोशल स्टेटस। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइवर्सिटी के बारे में और कल्चर के बारे में। डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है डिफरेंसेस। इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी हैं। इंडिया इज़ अ ग्रेट नेशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चर का मीनिंग होता है ट्रेडिशंस और कस्टम्स। कल्चरल डाइवर्सिटी एक ऐसी टर्म है जिसमें हमारी सोसाइटी के अंदर अलग अलग तरह के कल्चर के लोग रहते हैं। एक सोसाइटी में डिफरेंट कल्चर का होना, दैट इज़ कल्चरल डाइवर्सिटी। एक ऐसी टर्म जिसमें एक सोसाइटी में डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हों, उसको बोलते हैं हम कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी ये है कि डिफरेंट कल्चर एक सोसाइटी में एग्जिट करते हैं।